गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्लास फोर मैथ एक्सरसाइज 10.4। तो देखो वन नंबर क्या कहा है, राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू। तो ये नंबर क्या कहा है, फोर फिफ्थ दिया है और थ्री फोर दिया है, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस और कैंटा इज इक्वल कौन सा इज इक्वल टू है वो कंपेयर करेंगे। तो फोर फोर बजा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ऐसे होता है, फोर फोर जा 16, 54 जा 53 जा 15, तो कौन सा बड़ा है 16, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है 25th 6th 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 11 2 जा 22 और 56 जा 30, तो 30 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। उसके बाद नंबर सी 7/12 और 2/5, 75 जा 35 और 12 2 24, तो ये फ्रैक्शन बढ़ा 35, तो ये। उसके बाद नंबर डी देखो 3/5 और 7/8 दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 83 जा 24, 57 जा 35, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है 35 बड़ा है। तो 3/7 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 15 और 28, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। ये 1/2 1/3 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये 3 ये 2, तो ये बड़ा है, हो गया वन नंबर। उसके बाद टू नंबर देखेंगे, उसके आगे नंबर टू देखो, चेंज द फॉलोइंग विद द सेम डिनोमिनेटर। क्या इसको सेम डिनोमिनेशन करने के लिए कहा है, तो 5/12 दिया है, 3/6 दिया है, तो इसको सेम डिनोमिनेशन करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से 12 होगा, तो 12 यहाँ है, इसका डिनोमिनेशन में 12 है, तो इसको 12 बनाएंगे। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाएंगे, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करने से 6/12, तो ये डिनोमिनेशन सेम होगा 12 12। इसका भी 7/15 7/15 और 4/15 दिया है, कभी एलसीएम लेने से 15 होगा, तो 5 × 3 ऊपर भी करेंगे और 4 × 3 12/15, दोनों का डिनोमिनेशन सेम हो गया। उसके बाद 3/7 1/12 21, तो इसका भी एलसीएम 21 होगा, तो 7 × 3 करेंगे, तो ऊपर 3 × 3 करेंगे 9/21, तो दोनों का डिनोमिनेशन सेम हो गया। इसका 3/7 4/5, तो इस ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम 35 होगा, तो दोनों का डिनोमिनेशन 35 करेंगे। तो 3/7 को 35 बनाने में यहाँ 7/5 मल्टीप्लाई करने से 35 होगा, और ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करने से, तो 15/35। ये 4/5 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 35 आएगा, तो 7, तो 5 7 और ऊपर भी 7 × करेंगे, तो 4 7 28 और 5 7 या 35। ये 6/7 और 3/4, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम भी 28 होगा, तो 28 दोनों में करेंगे, तो 7 4 6 4 6 4 24 7 4 28, तो इसका भी 3 4 का भी डिनोमिनेशन 28 करेंगे, तो 4 7 जा यहाँ 7 × करेंगे, तो 7 3 21, ये 7 4 28 करके ये करना। उसके बाद नंबर थ्री देखो, कंपेयर द फ्रैक्शन एच ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए कहा है। तो ये पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेंगे, तो 11/5 2/5, ये दोनों का डिनोमिनेशन सेम हो गया, दो जो जोड़ा बड़ा न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर। तो ये 2 1/5 जो 11/5 हुआ वो बड़ा है। उसके बाद नंबर बी 5/12, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने से 13/4 होगा, तो ये इसका डिनोमिनेशन सेम नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पता चलेगा, 5 4 20 और 12 और 13 मल्टीप्लाई करने से 156, तो 12 से 20 से 156 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। उसके बाद 2 1/2 1 3/3, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने से 5/2 और 7/4, तो इसलिए भी डिनोमिनेशन सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 5 4 20 2 7 14, तो 14 से 20 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। उसके बाद आगे का नंबर
आगे का नंबर क्या है, नंबर फोर, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा था। असेंडिंग ऑर्डर तो सबका डिनोमिनेशन अलग अलग, तो इसका एलसीएम लेंगे और इसको लाइक फ्रैक्शन बना के भी इसका क्या असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। उसका एलसीएम लेने से लेके काम करेंगे, ये मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ। ये सजा असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से 1/4, 4/7, 3/5 आएगा। उसके बाद बी नंबर के सजाने से 4/9, 5/7 और 6/8 आएगा। उसके बाद नंबर सी 23/15, 23/55, 5/11 और 9/5 असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से। उसके बाद नंबर फाइव डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने से 8/22, 7/11, 9/11 आएगा। ये नंबर बी नंबर पे सबका डिनोमिनेशन सेम है, तो जो छोटा न्यूमरेटर है वो छोटा है, तो जो बड़ा है वो बड़ा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है तो 29/9, 21/7, 9, 17/9। उसके बाद नंबर सी 3/5, 7/9, 2/3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने से 3/5, 2/3, 7/9 होगा। तो आज के लिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में एडिशन ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर एंड एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।